दिल्ली में जल संकट को लेकर राजनीति जोरों पर है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग लगातार जारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में जल संकट के लिए बीजेपी, हरियाणा की भाजपा सरकार, दिल्ली के एलजी और प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। जैसे ही 7 सीट जीते, रिजल्ट आया, पहला काम किया दिल्ली के लोगों का पानी बंद करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र की तरह। राजधानी दिल्ली इस समय पानी की समस्या से जूझ रही है। इसी मामले को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली वालों का क्या गुनाह है। बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें जीतते ही सबसे पहले दिल्ली के लोगों का पानी बंद कर दिया। आगे संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आग पर पट्टी बांध कर धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं। आप भी सुनिए। पूरे देश की सेवा करना आपका मकसद है, ये तो बताइए प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के लोगों का गुनाह क्या है, उनका अपराध क्या है, ये तो आप बता दीजिए। 2014 में आपको 7 की 7 सीटें जिताने का काम दिल्ली के लोगों ने किया। 15 में केजरीवाल जी की सरकार बन गई, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, सारी योजनाएं लागू की। फिर भी दिल्ली के लोगों ने 2019 में आपको 7 की 7 सीटें जिता दी। केजरीवाल ने अपनी सारी योजनाएं लागू रखी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ फ्री देते रहे। आपने पकड़ के अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। दिल्ली के लोगों के मन में कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, बावजूद इसके दिल्ली के लोगों ने कहा हम सांसद के चुनाव में मोदी जी को वोट देंगे। आपने 7 की 7 सीटें दिल्ली के लोगों ने फिर आपको जिता दी। 3 बार से दिल्ली के लोग लगातार आपको जिता रहे हैं, आप किस बात की सजा दे रहे हैं? आखिर गुनाह क्या है दिल्ली के लोगों का? आपने 2 मंत्री बना दिए, एक भी मंत्री दिल्ली के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है कि हरियाणा की सरकार को कम से कम दिल्ली के हक का पानी तो देना चाहिए। हम कोई आपसे अतिरिक्त मदद नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे हिस्से से ज्यादा पानी आप हमको दीजिए, हम कह रहे हैं 100 MGD पानी जो दिल्ली के लोगों का हक है, अधिकार है, लिखा पढ़ी में है, जो हमको मिलना चाहिए, जो वर्षों से मिलता रहा है, वो आप क्यों रोक रहे हैं? पहला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने किया, जैसे ही 7 सीट जीते, रिजल्ट आया 4 जून को, उसके बाद पहला काम किया दिल्ली के लोगों का पानी बंद करना। यह बहुत ही अफसोसजनक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के नाक के नीचे देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के लोगों के हक का पानी नहीं दिया जा रहा है। 28 लाख लोगों को पीने का पानी 100 MGD पानी से मिल सकता है और वो पानी हरियाणा की बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। आप मटके फोड़ रहे हैं, यहां पे कर्मचारियों को मार रहे हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पूरे भाजपाई कहीं भी आपको नहीं दिखेंगे कि इस पानी के संकट को दूर करने में हमारा सहयोग करें। कहीं पाइप की, कहीं वाटर की सप्लाई पाइपलाइन तोड़ने में जुटे हुए भाजपाई। आप पहचानिए इनको, कितने क्रूर लोग हैं ये, और आपके संकट के समय में कैसा आपको कुचलने का काम कर रहे हैं। हम लोगों पे तो हमला करते रहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा बीजेपी के लोग कितने क्रूर और निर्दयी हैं कि संकट के समय में उनका आपको सहयोग करने की कोई मंशा नहीं है। जहां पानी की सप्लाई हो रही है वहां जाके पाइपलाइन तोड़ते हैं भाजपाई, जहां पानी के सप्लाई की व्यवस्था हो रही है वहां जाके कार्यालय तोड़ते हैं भाजपाई। रमेश विधूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कार्यालय तोड़ा। अब बताइए, डर के मारे कर्मचारी काम नहीं करेगा, दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिलेगा? पीछे से हरियाणा से पानी रोक दिया, यहां ड्रामा कर रहे हो।
मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, प्रदर्शन करना है तो जाके हरियाणा भवन पे करो, बीजेपी के दफ्तर के सामने करो और दिल्ली के हक का पानी लेकर आओ। हम कोई अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहे हैं हरियाणा से, याद रखिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, 28 लाख लोगों के बराबर पीने के पानी, 100 एमजीडी पानी को हरियाणा की बीजेपी सरकार ने रोका है, हम वही पानी मांग रहे हैं। फिर पानी का संकट दूर हो जाएगा। तो पानी का संकट खुद से प्रायोजित करते हो, प्रदर्शन करने का ड्रामा करते हो, इस काम में एलजी को भी शामिल करते हो, नायब सिंह सैनी को भी शामिल करते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र की तरह, ये सब कुछ पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है। और एक मंत्री के तौर पर आतिशी जी ने लगातार प्रयास किया दिल्ली के लोगों के लिए, कहां कहां नहीं जाकर चक्कर काटा, कहां कहां नहीं जाकर गुहार लगाई, एलजी से अनुरोध किया, अधिकारियों से कहा, केंद्र सरकार से कहा, विनती की, प्रार्थना की, हरियाणा सरकार से कहा, दिल्ली के लोगों का पानी दे दीजिए, 28 लाख लोगों के हक का पानी दे दीजिए, जो पानी हमको मिलता रहा है वो पानी दे दीजिए। लेकिन आतिशी जो दिल्ली की मंत्री हैं, उनकी एक बात सुनने को भाजपा के लोग तैयार नहीं। आइए बैठिए ना, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आमने सामने बात कीजिए, आंख से आंख मिलाकर बात कीजिए। और अगर दिल्ली के संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है तो दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता और देश की मीडिया के सामने हो जाएगा। सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार है, सीधे तौर पर एलजी जिम्मेदार है, सीधे तौर पर हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। आपने 28 लाख लोगों का पानी रोक दिया, उसके बाद यहां नौटंकी, ड्रामा, प्रदर्शन, घड़ा फोड़ो, मटका फोड़ो, पटका डाल के मटका फोड़ो चल रहा है। और मजबूर होकर पहली बार इतिहास में होगा कि एक कैबिनेट मंत्री को, एक जल मंत्री को, जल के लिए, पानी के लिए, एक पानी की मंत्री को, एक पानी के संकट के लिए जब वो थक गई, हार गई, तो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठना पड़ रहा है। कल से आतिशी जी का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है, दिल्ली के लोगों की प्यास के लिए, पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए जो दिल्ली के लोगों को तरसाया जा रहा है, उस सवाल को लेके आतिशी जी का कल से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है। मैं इंडिया गठबंधन के सभी दलों से अनुरोध और विनती करूंगा कि इस लड़ाई में आतिशी जी का और आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। हम गलत हैं तो हमें सजा दीजिए, लेकिन अगर हमारे हक का पानी हरियाणा की सरकार से हमें मिलना चाहिए, और इस सवाल को लेकर अगर आतिशी जी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हैं, तो मैं दिल्ली की जनता से भी निवेदन और विनती करूंगा, आप अपनी लड़ाई के लिए आतिशी की लड़ाई में साथ आइए। पानी के संकट के खिलाफ, पानी के संकट के सवाल को लेकर जो एक अनिश्चितकालीन अनशन कल से शुरू हो रहा है, उसमें साथ दीजिए। और मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र मत बनिए, दिल्ली का जल संकट दूर करवाइए। दिल्ली के लोगों को आपको जिताया उन्होंने, इस बात की सजा मत दीजिए, जैसे ही उन्होंने जिताया वैसे ही आपने दिल्ली का पानी बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।